सो अब इतना हैबिट्स के ऊपर डिस्कस करने के बाद हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से डीप इम्प्रेशन डेवलप होता है। जितना मन को आप नो वो, और मैंने वो एग्जांपल दिया था तवे के ऊपर अगर आइस रखा है तो इंटेंस प्रोलॉन्ग और फोकस तीव्रता से और लंबे समय तक और एकदम फोकस के साथ हमें अपने मन को लगाना है अपनी साधना में या प्रचार में या कोई भी सर्विस में। इंटेंस प्रोलॉन्ग और फोकस तभी मन में सारी चीजें धीरे धीरे बैठती है। हम लोग जैसे सुबह मंगल आरती करते हैं तो ऐसे देखा जाए मंगला आरती करना या मॉर्निंग प्रोग्राम करना कोई ज़्यादा एक्टिव वाला कार्य नहीं है। आप में से जो लोग रोज़ सुबह जल्दी उठते हो मंगला आरती करते हो या माला, तो ज़्यादा हाथ पैर चलाने वाले कार्य नहीं होते। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मन इन्वॉल्व होता है। बाह्य रूप से सब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ बॉडी थोड़ा ऐसे हिलाना है, हाथ पैर ऊपर नीचे करने, वो भी ज्यादा नहीं 1 मिनट 2 मिनट, वो भी जब फास्ट कीर्तन हो तब तो, और वो भी सेम रोज। तो बाहर बाहर से देखेंगे तो रोज सेम एक्टिविटी लगती है, तो ऐसे हमें देखेगा कि इसका आउटकम क्या है, इससे हमें क्या आउटकम मिलेगा। आप दिन में आप पूछो आपने क्या किया, मैंने मंगला आरती अटेंड किया, मॉर्निंग प्रोग्राम किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या आउटकम आपको फील होता है? कुछ ऐसा फील आउटकम जैसा फील नहीं होगा अभी आपको, पर ये क्या है अभी, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी स्टेडी है, स्टेबल है, तो हम मंगला आरती करते हैं। बट जब सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो हमारे लाइफ में, तब ये मंगला आरती में की हुई हुई साधना हमको डिस्टर्बिंग सिचुएशन में काम आती है। डिस्टर्बिंग सिचुएशन यानी कि फॉर एग्जांपल हमको लस्ट अटैक कर रहा है माइंड से, फॉर एग्जांपल हमको एनवी और कंपैरिजन और कंपटीशन भाव दूसरे भक्त के प्रति डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल बहुत रोज डेवलप हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत आलस से फील हो रहा है, उस समय ये काम होता है। तो जब पीसफुल रहता है तब है ना, जैसे मिलिट्री में लोग कैसे होते हैं, हर रोज वॉर नहीं होते उनके जीवन में, 10 साल में एक बार होगा, 5 साल में एक बार होगा, बाकी रोज क्या करते हैं वो, आप बताओ बाकी क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं प्रैक्टिस में, दौड़ते हैं, हाथ पैर एक्टिविटी है ना, उसका क्या आउटकम मिलेगा आपसे? कुछ होता है एट द एंड, उनको कुछ होता है, कुछ वही एक्टिविटी करते हैं रोज, पर टेंजिबल आउटकम उनको फील नहीं होगा। कह रहे आज 15 जुलाई है, मैंने 3 घंटा कसरत और वो एक सारे वो जो भी क्या बोलते हैं बटालियन क्या है? हाँ? ठीक ड्रिल, मास ड्रिल ना, हाँ ये सब किया, पर क्या मिला एंड में मुझे, वही थकान मिली और मैं सो गया। तो इसलिए मंगला आरती और जो रीडिंग हियरिंग है ना, वो इस तरह से मिलिट्री में जो ट्रेनिंग मिलता है, रोज युद्ध नहीं होगा पर जब युद्ध होगा तो ये ट्रेनिंग काम आती है। तो जब मन के साथ युद्ध नहीं चल रहा हो तब ये साधना रीडिंग हियरिंग काम आती है। तो जिसने वो होमवर्क नहीं किया और सीधा वो जब युद्ध आएगा मन से, भक्तों के लेवल पे क्या, मन के लेवल पे सब होता है, और जो अभक्त होते हैं उनको क्या बाह्य रूप से बॉडी के प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं, झगड़े चिल्लाना ये वो, और जब डिवोटी बनते हैं तब धीरे धीरे सत्व गुण में आते हैं तो शांत हो जाते हैं, पर मन के स्तर पे बहुत सारे संघर्ष और युद्ध चलता रहता है, और उस युद्ध में जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, प्रॉपर
प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एसोसिएशन लिया है, वो उस युद्ध को इजीली जीत पाएगा। वॉर अगेंस्ट माया। तो इसलिए ये पहले सेशन में मैंने हैबिट्स का कवर किया, क्योंकि एक वॉर वाला पार्ट हमने डिस्कस किया कि वॉर कैसे होता है मन के लेवल पे माया के साथ। अब आज के सेशन में जब वॉर नहीं होती है तब हमको कैसे अपने आप को तैयार करना है, वो आज के सेशन में होगा, प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। और उसके पहले सेशन था डीलिंग विद द वॉर। तो प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एब्जॉर्प्शन, जो हम कर रहे हैं साधन भजन या कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए एब्जॉर्प्शन। और वो एब्जॉर्प्शन क्या रातों रात नहीं आता है, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन रातों रात नहीं आता, ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। 24 घंटे हमारा मनोस्थिति क्या है, 24 घंटे हम क्या भाव रखते हैं। जैसे अगर किसी को इंडियन क्रिकेट टीम के में भाग लेना है, मैं अभी 2 दिन पहले एक लड़के से मिल रहा था, नया नया लड़का है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक है। और उसको मैंने पूछा कि क्रिकेट में क्या क्या होता है, उसने सब बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के लिए पहले हमको कॉलेज के लेवल पे खेलना होता है, फिर सिटी के लेवल पे, फिर स्टेट के लेवल पे, फिर कंट्री के लेवल पे, और उसके लिए बहुत टाइम एनर्जी देना होता है। मैं बोला क्या टाइम एनर्जी देते हो आप लोग उसमें, तो वो उसने बोला कि हर रोज सुबह जल्दी उठना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, और बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग वो सब बता रहा था कि किस तरह से इसकी क्वालिटी इंप्रूव करें। हर रोज अलग अलग बॉलिंग से अलग अलग बैटिंग के और फील्डिंग के जो टाइप्स होते हैं वो सब बताने लगा कि सब टाइप्स का प्रैक्टिस करना होता है ऐसा। और फिर जब हम फर्स्ट फर्स्ट कॉलेज के लेवल पे खेलते हैं और उसमें जीतते हैं, फिर हमको सिटी के लेवल पे मिलता है। मैंने उसको पूछा हमने कोई ऐसा कोई लेवल पे खेला है क्या, अहमदाबाद टूर्नामेंट या ऐसा गुजरात के लेवल? बोला मैं अभी तक खेला नहीं हूँ, मैं अभी कॉलेज के लेवल पे ही वर्क कर रहा हूँ। तो ये बातों से मुझे ये क्लिक हुआ कि अगर कोई ऐसा बोले कि मैं सीधा इंडियन क्रिकेट टीम में जाके खेलूंगा, और वो भी जब मैच होगी उस दिन मैं पहुंचूंगा फील्ड पर तक खेलूंगा, तो उसको अलाउ करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे अलाउ? ट्रेनिंग एजुकेशन उसने कुछ लिया नहीं है। मैंने उसको ये भी पूछा कि आप लोग का थियरी होता है क्या, उसने बोला हाँ थियरी भी होता है क्रिकेट में, खाली खेलना है वो नहीं, रिटर्न टेस्ट भी होता है। तो हार्ड वर्क चाहिए। तो उसलिए क्या पूरा दिन वो क्रिकेट के बारे में ही सोचेगा, जिस दिन वर्ल्ड कप हो उस दिन नहीं पहुंचेगा सीधा वो जाके कि मैं सीधा वर्ल्ड कप खेलूंगा। पूरा दिन पूरा साल कई सालों तक क्रिकेट के बारे में ही सोचता रहता है, तब उसका वैसा कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन आता है। सीधा क्रिकेट खेलने का तो उसको कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। और जब वो क्रिकेट फॉर एग्जांपल जीत जाता है मैच और हाईएस्ट टॉप स्कोरर बनता है या मैन ऑफ द मैच जो भी बनता है, तो उस इमीडिएटली उस लोग उसको अटेंशन देने लगते हैं, किसने अच्छा खेला। इमीडिएटली जो देश का जो उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा या स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा वो उसको बुलाएगा, उससे मिलेगा कि आपने इंडिया के लिए या इसके लिए खेला और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब जो भी है करेगा। तो भक्ति का जो प्रोसेस है बिल्कुल लगभग इसकी तरह ही है कि हमें अपनी सेवा से भगवान के अटेंशन को कैप्चर करते हैं, हमें अपने भक्ति साधन से कृष्णा के अटेंशन को कैप्चर करना है।
वो क्रिकेट जिसने मैच जीता उसने कुछ ऐसा टास्क किया, तब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने उसको बुलाया ना, नहीं तो क्यों बुलाते, उनके पास थोड़ी ना इतना टाइम है कि उसको बुलाएंगे। उसने कुछ इम्पोर्टेंट टास्क किया तब जाके उसको बुलावा आया। तो ऐसे ही भक्ति के अंदर भी अगर हम कुछ ऐसा सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ साधना प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग प्रैक्टिस करते हैं, तब अटेंशन कैप्चर होता है। तो इसलिए कृष्णा भगवद गीता में कई बार वर्ड ऐसे यूज करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, और नित्य युक्त उपासते, और तेषाम सतत युक्ता नाम, सततम और नित्यम मतलब एवरी डे विदाउट फेल ये प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी वो एब्जॉर्प्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह भक्ति कर रहे हो और दिन में इंद्र तृप्ति कर रहे हो और अगले दिन सुबह बीड बैग में हाथ डालोगे तो आपका मन लग जाएगा कृष्ण की, ऐसा नहीं होगा। पूरे दिन में आप क्या सोच रहे हो, पूरे दिन में आप क्या विचारों को मेडिटेट कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि भक्ति में कितना आपका एब्जॉर्प्शन आएगा। मतलब पूरे दिन का प्रिपरेशन कि क्या विचार मेरे मन से गुजर रहे हैं, किन विचारों पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, किन विचारों पे मैं कम फोकस कर रहा हूँ, कौन सी बातें मेरे को ज़्यादा ध्यान पे आ रही है, कौन सी बातें कम ध्यान पे आ रही है, ये चीज़ें इफेक्ट करती है हमारी साधना पे सीधा। तो ये क्या अलग लाइफ मत समझो कि कृष्णा भक्ति ये लाइफ अलग है और मेरा भौतिक जीवन का लाइफ अलग है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ अलग है, भक्ति लाइफ अलग है। वो क्योंकि हम अलग सोचते हैं, जब हम प्रोफेशन करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम भक्त हैं, ये प्रॉब्लम है बड़ा। इसलिए फिर भक्ति में मन नहीं लगता है, चैंटिंग में मन नहीं लगता है, हमारा मन इधर उधर भागता है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं आ रहा है, आता है वो अटेंशन नहीं आता है हमारा, वो कंसंट्रेशन नहीं आता है हमारा। तो ऐसे यूथ मैंने देखे हैं कहीं जो सुबह आते हैं, अभी है कि नहीं पता नहीं, पर इसमें बहुत समय पहले कुछ ऐसे यूथ हुआ करते थे जो आते थे सुबह मंगला में माला करते थे और दिन में लड़कियों के साथ घूमते थे या क्लब्स में जाते थे, पर रोज मंगला आते थे और माला भी करते थे, पर उनका कभी एडवांसमेंट और प्रोग्रेस नहीं हुआ भक्ति के अंदर। वो जितने रेगुलर थे उतना शायद मैं भी उस समय रेगुलर नहीं था मंगला में, तो उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा रेगुलर हुआ करते थे मंगला में, रोज दिखेंगे 4:30 बजे और माला भी करेंगे, बट अभी वो कहाँ है उनका कुछ अता पता नहीं है, भगवत धाम चले गए कि क्या कुछ पता नहीं है कि कौन से धाम गए पता नहीं। तो ना तो अंदर इनसाइड आउटसाइड दोनों कृष्णा कॉन्शियस रहना है हमें, जब मंदिर के बाहर है तो हमारा लाइफ अलग है और भूल जाने का कि मैं भक्त हूँ, वैसा करोगे तो एब्जॉर्प्शन कभी नहीं आएगा। जैसे जो क्रिकेट खेलने वाला जो प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है पूरा दिन उसके माइंड में एक ही चीज चलता है, कैसे इम्प्रूव करना है क्रिकेट मैच, कैसे बेटर करना है। तो भक्ति प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा है, चैंटिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, है ना, जॉ की एक्सरसाइज, लिप्स की एक्सरसाइज, टंग की एक्सरसाइज, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना ही है, ये डिवोशनल एक्टिविटी है। इसमें एब्जॉर्प्शन और कंटेम्पलेशन अच्छा होना चाहिए, आपके माइंड के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हमारे माइंड के बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए। अगर हमको रोज की साधना अच्छी रखनी हो अगर, तो हमारे माइंड के बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए, जो हम प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सब चलना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड परमानेंट है, हमें कृष्णा के पास वापस जाना है,
कृष्णा की कितनी अद्भुत लीलाएं, कितनी मधुर लीलाएं, भगवान किस तरह से हमारे जीवन में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीजें कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। क्या मैं किस किस तरह से मैं सेवाओं को और इम्प्रूव करूं, किस तरह से मैं अपने प्रोफेशन को कृष्णा कॉन्शियस वे से करूं, ये सारे थॉट्स चलने चाहिए कंटिन्यूअस। आप चाहे घर पे हो या ऑफिस में हो या स्कूल कॉलेज में हो, कहीं भी हो, ये जब चलेगा तभी आप क्वालिटी वाइज अपनी साधना कर पाओगे। नहीं तो आप सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हो और साधना भी कर रहे हो, तो ये दोनों क्या कैंसल होकर देते हैं एक दूसरे को। आप अग्नि भी जला रहे हो कृष्णा भक्ति का, इंद्र तृप्ति का पानी भी डाल रहे हो, तो अग्नि नहीं जलेगी, कृष्णा भक्ति की अग्नि नहीं जलेगी। और जब तक कृष्णा भक्ति की अग्नि नहीं जलेगी तब तक अनर्था हमारे हृदय से नष्ट नहीं होंगे। कृष्णा भक्ति की अग्नि जलाना बहुत जरूरी है, अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो और कृष्णा भी हमको देखते हैं, हमारे हार्ट में परमात्मा के फॉर्म में है, वो भी हमको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या करते हैं पूरा दिन, हम किन विचारों पे ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, सब वो चीज देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन लाने का कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो ये है कि आपका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड हमें सुधारना है। हमारे माइंड में पूरे दिन इस प्रकार के विचार होने चाहिए जैसे मैंने बताया, जो प्रभुपाद बुक्स में हम पढ़ते हैं सुनते हैं हमेशा। आप कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या सड़क से ड्राइव कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से जब आ रहे हो घर पे बाइक चला के आ रहे हो और आप देख रहे हो बहुत सारे ट्रैफिक है, दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, लोग जा रहे हैं, क्या चलना चाहिए माइंड में बता सकते हैं कोई? कृष्णा कॉन्शियस वे से क्या चलना चाहिए? एक भौतिक विचार वाला व्यक्ति क्या सोचेगा और कृष्णा कॉन्शियस वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या होना चाहिए विचार? नए डिवोटीज ट्राई कर सकते, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कैसा सोचेगा, एक भौतिकवादी व्यक्ति कैसा सोचेगा? जब वो ऑफिस से आता है देखता है सब बिल्डिंगें, गाड़ियां, लोग, दुकानें, तो कृष्णा भक्ति वाला ये सोचेगा कि इतने सारे लोग हैं, ये इन लोग को कैसे कृष्णा भक्ति में जोड़ाऊं, मतलब एंगेज करूं, कैसे यहाँ प्रचार करें। ओके गुड। भौतिकवादी क्या सोचेगा? नए डिवोटीज ट्राई कर सकते हैं। नए डिवोटीज अल्पेश, दिव्येश, और तो पवन पटेल और याग्निक, केवल, अनिकेत, ये सब लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये आंसर। भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचेगा, कृष्णा भक्त कैसे सोचते हैं? यस अनिकेत प्रभु अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु यस बोलो, क्लियर जैसे भौतिक प्रभु आवाज मेरी क्लियर है? है? यस यस। तो प्रभु जैसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति होगा वो ये सोचेगा कि वो लोग इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे हैं तो काश मैं भी अगर वहां होता तो वहां एंजॉय कर रहा होता।
और मतलब सारे जो भी वो देखेगा उसको वो एंजॉय करने के बारे में सोचेगा कि मैं कैसे इन सब चीजों को एंजॉय कर सकता हूँ। और जो कृष्ण भक्त होगा वो ये सोचेगा कि ये लोग भी मतलब कितने ज्यादा वो माया में है, कि मतलब ये एकदम कृष्ण से परे हैं और सफरिंग में है, एक्चुअल में इनको पता नहीं है पर वो एक्चुअल में सफरिंग है। ओके तो समझ रहे हो कि दृष्टिकोण सीन दोनों के लिए सेम है पर दृष्टिकोण अलग है, तो हमें अपना दृष्टिकोण अपना मनोभाव चेंज करना है ना। शास्त्र चक्षु बोलते हैं, शास्त्र के दृष्टिकोण से सिचुएशन को एनालाइज करना, और जो हमने पढ़े हैं शास्त्र वो उसका चिंतन मनन करना। और फॉर एग्जांपल ऑफिस में आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और अचानक कोई व्यक्ति आके आपके कार्य में टांग अड़ाता है, अननेसेसरी, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कैसे लेगा वो सिचुएशन को, कैसे लेगा वो सिचुएशन, उसको चिल्लाएगा क्या, बोलेगा क्या करेगा वो। कैसे सोचेगा वो, कैसे अवॉइड करने का ट्राई करेगा। हाँ मतलब ये एक्शन के लेवल पे बता रहे हो, पर हम क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, माइंड के लेवल की बात कर रहे हैं, उस लेवल पे वो क्या सोचेगा, ये है प्रश्न। क्योंकि अभी हम बात हो रही है हमारी एब्जॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन फिजिकल लेवल पे नहीं होता है, माइंड के लेवल पे होता है। कैसे सोचेंगे, कुछ तो होगा ना माइंड पे लेवल पे, तो कुछ होगा ना। चलो फिजिकल लेवल पे उसने अवॉइड कर लिया, माइंड प्रोसेस पे क्या चल रहा होगा वो जानेंगे कि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कैसा देखेगा, मटेरियलिस्ट कैसा देखेगा। कैसे वही वही क्या, नहीं, ऐसे ये तो पास टाइम इधर भी हो ही रही है ऑफिस में बहुत मेरे, कौन सी पास टाइम के कैसे क्या क्या पास टाइम क्या सोचेगा। मैं इंद्रा इंद्र जो है पृथ्वी महाराज को डिस्टर्ब करते हैं उसके यज्ञ सैक्रिफाइस में, ऐसे ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर पृथ्वी महाराज ने क्या किया ना। तो माफ कर दिया, कुछ ऐसा नहीं गया पर पहले पृथ्वी महाराज ने अटैक किया था इंद्र के ऊपर, उसने अपने पुत्र को भेजा था, वो अटैक किया था, फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने रोका, फिर इंद्रा ने स्टॉप किया सैक्रिफाइस। यस जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभु जैसे कृष्णा कॉन्शियस का होगा वो ऐसे सोचेगा कि जो अब तक मैंने सीखा है जैसे कि हाउ टू कंट्रोल लस्ट, हाउ टू कंट्रोल एंगर, तो इस टाइम पे वो रियल इम्प्लीमेंट लाएगा कि प्रभु मेरे मैंने जो भी सीखा है वो उसकी परीक्षा ले रहा है। तो बेसिकली वो इस टाइम पे ऐसा एग्जाम के दौर पे वो ऐसा आंसर करेगा कि लाइक अभी मैंने ये सब सीखा है तो अभी उसको मैं इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। हाँ तो क्या इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे करेगा वो, वो क्वेश्चन है। सबसे करना चाहते
नहीं होगा तो उसका तो ये एक्यूरेट आंसर है। हाँ बोल। हाँ हाँ तो वो जो डिस्टर्ब कर रहा है व्यक्ति, वो मेरे कर्मों को मुझे वापस दे रहा है इस सिचुएशन में रह के, जो मेरी बैड कर्म आई है। तो उसको मैं अगर गुस्सा करूँगा या रिवेंज करूँगा तो मेरे ऊपर और कर्मा लगेंगे, और वो कर्मा देने के लिए फिर और दूसरा व्यक्ति इससे ज़्यादा पावरफुल आएगा जो मुझे परेशान करेगा, तो वो अवॉइड करेगा। ये मनोवृत्ति रहेगी उस पर। जो मटेरियलिस्ट होगा वो अटैक करेगा, रिवेंज लेगा, उसको सबक सिखाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब हम इस तरह से देखते हैं, तब पूरे दिन अगर हमारे माइंड में इस तरह से थॉट प्रोसेस चलेगा, तब हमारा मन लगेगा सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करोगे, है ना। तो उसको पूरा कनेक्टेड है, पूरा दिन सब कुछ कनेक्टेड है। सुबह की माला कनेक्टेड है आपकी एक दिन पहले से। कल सुबह माला कैसे होगी, वो आज का दिन कैसा गया उस पर पूरा डिपेंड करता है। आज आपने किस तरह से सिचुएशन से डील किया, लोगों से डील किया, कितने आपने शास्त्र से पॉइंट्स याद किए, कितने स्मरण हुए, कितना प्रैक्टिकली अप्लाई किया, किस तरह से आप अपनी चेतना को प्रिपेयर करते हो एवरी डे, है ना, कि मुझे और हार्ट को प्योरीफाई करना है। अभी मेरे माइंड में एनवियस विचार आ रहे हैं, इसको कैसे ठीक करूं। अभी मेरे माइंड में लेजीनेस हो रहा है, इसको कैसे ठीक करें। इससे कंटिन्यूस ऐसा माइंड के अंदर कॉन्वर्सेशन चलना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने आप को प्रीच करना है ये सोच के कि हम एकदम नए व्यक्ति हैं, हमें कुछ नहीं पता। इस तरह से हमें अपने आप को देखना है, और हर एक एक पॉइंट अपने आप को हमें प्रीचिंग करना है। हमारे अंदर का एक व्यक्ति होना चाहिए जो डिवोटी होना चाहिए, और हम तो नॉन डिवोटी है, और वो डिवोटी प्रीच करना चाहिए कि देखो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। वो कॉन्वर्जेशन चलना चाहिए। अपने आप को ऐसा देखो कि मैं एकदम नया व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है भक्ति में, और अब प्रीच करो फिर उस व्यक्ति को, उसको प्रचार करो, पॉइंट्स उसको सुनाओ कि ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे देखना होता है। तो ये इस वजह से हमें इस वर्ल्ड के साथ डील करना है, ऑब्जर्व करना है। तो तब धीरे धीरे हमारा मन इसमें सिंक होते जाएगा। तो अभी इधर जो आप पीपीटी देख रहे हो, इसमें बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, बेसिक लेवल का है। एडवांस लेवल का भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। एडवांस लेवल के मैंने सारे चीज़ें इसमें से हटा दिए। क्यों? क्योंकि वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो कई सालों से इस वे से डील करते हैं मटेरियल वर्ल्ड से, या वो लोग जो फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। बट ये पहले ना बेसिक प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं, इसको अगर हम अच्छे समझेंगे फिर हम एडवांस स्टेज पे आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू गेट एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू रिमेम्बरेंस ऑफ श्री कृष्णा। तो सबसे पहली चीज है इसके अंदर प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन, पढ़िए इसको। Always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravan Das, the श्रवण, stage of hear. हाँ प्रभु,
श्रवण दशा ना लिखा है ना, दशा लिखा है, द स्टेज ऑफ। तो सबसे पहला स्टेज है श्रवण, इसको श्रवण दशा यानी कि हम हमेशा हियरिंग, कृष्णा के विषय में हम सुनते हैं या कृष्णा के विषय में पढ़ते हैं और हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं, ये दो चीज करते हैं। कृष्णा के विषय में सुनना और कृष्णा के नामों का जप, इसको श्रवण दशा बोलते हैं। बिगनिंग स्टेज है ये। अगर हमें एब्जॉर्प्शन लाना है तो उसके लिए ये बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, हर रोज हरे कृष्णा मंत्र का जप और हर रोज कृष्णा के विषय में पढ़ना सुनना, इसको श्रवण दशा बोलते हैं। फिर पढ़िए आगे। बाय कॉन्स्टेंटली हियरिंग होली नेम एंड सेइंग कृष्ण कथा वर्ण दशा, वर्ण दशा इन दिस स्टेज ही बिकम्स अटैच्ड टू कृष्ण कथा तो वर्ण व्हेन ही इज दशा एबल टू चैंट इन एस्टेसी। वर्ण दशा कैसा है कि हमने हियरिंग किया, हमने रीडिंग किया, हमने चैंटिंग किया, बट अटैचमेंट के साथ नहीं किया है, ठीक है। और मतलब इंटरेस्ट दिखाया पर अटैचमेंट नहीं है। इंटरेस्ट और अटैचमेंट में डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? इंटरेस्ट और अटैचमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बुक है, मैंने कोई बुक देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उस बुक में इंटरेस्ट दिखाया कि ये बहुत अच्छा बुक है, तुम एक पढ़ लो, जब तुम्हारा पढ़ना हो जाए तो मुझे दे देना वापस, मुझे अच्छा लगा ये बुक, इसको बोलते मैंने इंटरेस्ट। अटैचमेंट मतलब क्या कि ये बुक मिलेगा मुझे, वो बोलेगा नहीं मुझे पढ़ना है, बोला मैं इसको आपका अभी फोटो कॉपी करके बताऊँ, मुझे पढ़ना है। अटैचमेंट मतलब उसके बिना हम रह नहीं सकते, समझे आप? थोड़े समय के लिए भी उस चीज के बिना हम रह नहीं सकते, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो वर्ण दशा मतलब क्या कि हियरिंग रीडिंग और चैंटिंग हमने किया, धीरे धीरे हम फिर अटैच हो गए वर्ण दशा। अभी हम लोग क्या श्रवण दशा में ही है। वर्ण दशा कब आएगा? जब इसको रेगुलर कांस्टेंट अच्छे वे से प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। सो इसलिए लिखा है इसमें, व्हेन वन इज एबल टू चैंट इन एक्सटेसी, फिर स्मरण अवस्था, फिर रिमेम्बरेंस आता है। अट्रैक्शन, इंटरेस्ट मतलब अट्रैक्शन भी होता है, अट्रैक्शन फिर अटैचमेंट, फिर जब हम जप करेंगे या कृष्णा के वचन सुनेंगे पढ़ेंगे तो हम एक्सटेसी में आएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, और वो रियल मैच्योर वाला होगा, वो सहजिया वाला नहीं। तब हम कृष्णा को 24 आवर याद कर पाएंगे। तो समझ रहे हो, ये स्टेज सुनने के बाद हमको ये फील होना चाहिए कि मैं अभी, मेरी भक्ति शुरू भी नहीं हुई है, मैं बहुत निम्न स्तर पर हूँ भक्ति के, और कृष्णा हमको, कृष्णा हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट स्मरण अवस्था पे पहुंचे हम। अगर हमें भगवत धाम जाना है, वो हाईएस्ट गोल अचीव करना है, उनके लीलाओं में प्रवेश करना है, तो स्मरण अवस्था कम से कम बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो गोल बहुत बड़ा है और हमें पता नहीं हम कितना निम्न स्तर पे भक्ति के, तो हम बहुत चीपली ले लेंगे प्रोसेस को कि हाँ मैं चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करूँगा रोज तो हो जाएगा काम। हमें अपना फुल एंडेवर देना पड़ेगा इस प्रोसेस में, तभी कृष्णा की मर्सी हमें मिलेगी, नहीं तो अगला जन्म तो है ही, जहाँ खत्म हुआ है वहां से शुरू हो गई। बट इसी लाइफ में हमको भगवत धाम प्राप्त करना है, उसके लिए सिंसियर प्रयास चाहिए। श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण अवस्था। स्मरण अवस्था मतलब ये भी कि आप रीडिंग कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप इतने उसमें एब्जॉर्ब हो गए हो कि आपको दूसरा, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब मेरी 16 राउंड्स हो गए, कब 1 घंटा रीडिंग हो गया और आप पढ़ते जा रहे हो,
बट एट द सेम टाइम आप ड्यूटीफुली भी अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे, मतलब अपनी मटेरियल ड्यूटीज अच्छे से फुलफिल करोगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि शुरुआती दौर पे हम लोग भक्ति को एज अ ड्यूटी करते हैं और मटेरियल वर्ल्ड में पूरा एब्जॉर्ब रहते हैं, उसको रिलिश कर दें। बट जब हम स्मरण अवस्था में आएंगे तो भक्ति को रिलिश करेंगे और मटेरियल ड्यूटीज को एज अ ड्यूटी की तरह करेंगे। तो इस तरह से स्मरण अवस्था पे हम पहुंचते हैं। तो ये है प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन। सेकंड स्टेज है ऑस्टेरिटी, पढ़िए इसका। एन ऑस्टेरिटी वे ऑफ लाइफ लिव इन वेज कंड्यूसिव टू कंट्रोलिंग द माइंड अवॉइड थिंग्स दैट विल अगेन एजिटेट द माइंड विद सेंशुअल थॉट्स दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लिविंग एन ऑस्टेरिटी लाइफ। ऑस्टियर लाइफ मतलब क्या, कि वो सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन, वो सारी चीजों को गिव अप करना जिससे हमारा मन डिस्टर्ब हो। एजिटेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, तंग होना, तंग 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 होना, होना नहीं, नहीं जिससे चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, चीजित हो या मन हमारा डिस्टर्ब हो, नहीं वो भी ठीक है लिटरली तो है। जो भी है, बट माइंड पीसफुल ना हो, ऐसी सारी सिचुएशंस, ऐसी सारी वस्तुओं को अवॉइड करना, उसको बोलते हैं तपस्या। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आपका जो फ्रेंड है उसका प्रमोशन हो गया, उसका सैलरी बढ़ गई और आपकी नहीं बढ़ गई, हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा ये देख के, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ हुआ नहीं, उसका प्रोग्रेस हो गया और वो सबको बता रहा है, लोग हमको कंपेयर कर रहे हैं और हमारा माइंड डिस्टर्ब। तो ऑस्टेरिटी मतलब क्या, कि इस सिचुएशन में हमें कृष्णा कॉन्शियस वे से देखना और खुद को कंपेयर नहीं करना उस चीजों से, उसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं। हर परिस्थिति में सेटिस्फाइड रहना। अभी उस सिचुएशन में कैसे सेटिस्फाइड रहना है उसके लिए फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है, कैसे देखें उस सिचुएशन को ताकि हम सेटिस्फाइड रहें उस सिचुएशन में। हम लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और सामने बहुत सुंदर स्त्रियां सब गुजर रही है, मंदिर में आ रहे हैं, अब हमारा मन कृष्णा में है कि उन स्त्रियों पे है, एजिटेट होता है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो कृष्णा पे फोकस रखना उस समय। कैसे रखें, सामने सब इंद्रिय तृप्ति वाले वस्तुएं और कृष्णा पे माइंड कैसे जाए, उसके लिए फिलॉसफी चाहिए, हियरिंग रीडिंग काम आता है उस समय। तो वो कैसे होगा, जिसने हियरिंग रीडिंग अच्छा किया है वो कर सकता है, नहीं तो माइंड कैसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पता है ना आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना, इधर बॉल में ऐसे छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे, फोर्स नीचे की तरफ है, ऐसे ही हमारा माइंड ऑटोमेटिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जाएगा। माइंड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऑटोमेटिक नीचे ही गिरेगा, उसको उठाना के उठना पड़ता है। इंद्र तृप्ति के तालाब में गिर जाता है वो माइंड, उसको उठाना पड़ता है, उसको उठाओगे तो गीला होगा माइंड, इंद्र तृप्ति वाले विचार है ना, उसको फिर सूखे स्थान पर रखना है जब तक वो पूरा पानी से सूखता नहीं है। उसका मतलब है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना, इंटेंसिटी के साथ, फोकस के साथ, प्रोलॉन्ग के साथ और चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करना, ठीक है। माइंड सूख गया मतलब कृष्णा कॉन्शियस बन गया, फिर इंद्र तृप्ति वाले कोई ऑब्जेक्ट आएंगे या विचार आएंगे, फिर से नीचे गिर जाएगा, फिर से गीला होगा, फिर से उसको ऊपर उठाने, फिर से इंटेंस प्रोलॉन्ग फोकस, ये चीज को बोलते हैं ऑस्टेरिटी।
तो ये ऑस्टेरिटी करने के लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य चाहिए। लेजीनेस रखोगे तो ये ऑस्टेरिटी नहीं कर पाओगे। हम लोग क्या लेजी हो जाते हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उठा नहीं पाते माइंड को वापस। ऑस्टेरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नीचे गिर रहा हो, अगर माइंड नीचे गिरने वाला है उसको कैच कर लेना पड़े पहले से। तो इसलिए ऑस्टेरिटी क्या है माइंड के लिए, हमने भगवद गीता में से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, श्लोक 17 अध्याय में, 17 चैप्टर। और ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आज्ञा विनिग्रह भाव सम शुद्धि रीत्या एतत् तपो मानसम उच्यते। सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, ये है ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। तो सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है माइंड के लिए, सबसे बड़ी तपस्या है सेटिस्फैक्शन। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, तो इसका तात्पर्य पढ़ना चाहिए आप लोग को, होमवर्क में देता हूँ मैं, 17.16 है ये तात्पर्य। तो इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, और इसमें ये एक लाइन बहुत अच्छी लिखते हैं प्रभुपाद, पढ़िए इसको। सेटिस्फेक्शन ऑफ द माइंड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय टेकिंग द माइंड अवे फ्रॉम थॉट्स ऑफ सेल्फ एंजॉयमेंट। द मोर वी थिंक ऑफ सेल्फ एंजॉयमेंट द मोर द माइंड बिकम्स डिससेटिस्फाइड। तो अभी हम सोचेंगे कि ये माइंड सेटिस्फाइड तब होगा जब हम उसको इंद्र तृप्ति वाले विचारों से दूर ले जाएंगे। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? माइंड कब सेटिस्फाइड होगा, जब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जब इंद्र तृप्ति वाले विचारों से दूर ले जाएंगे। बट जब आप उसको दूर ले जाते हो तो माइंड में बहुत कष्ट होता है, माइंड को बहुत कष्ट होता है इस चीज से। और इसलिए शास्त्र चक्षु से देखना है, हमें क्या फील होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट। और स्क्रिप्चर्स जो बोलते हैं वो टाइम टेस्टेड होता है, इसलिए अगर हम माइंड को इंद्र तृप्ति के ख्यालों से दूर ले जाएंगे तो हमारा माइंड सेटिस्फाइड होगा, इस पे हमें फेथ होना चाहिए। पर हमें दिखता क्या है कि जब इंद्र तृप्ति विचार पे फोकस करते हैं तो माइंड हमको सेटिस्फेक्शन की फील होता है, बट एट द एंड माइंड सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। अगर सेटिस्फाइड होता तो फिर से इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं भागता वो, सेटिस्फाइड। और हम देख रहे हैं हैंकरिंग बढ़ती है उससे, और क्रेविंग बढ़ता है। तो ये हैंकरिंग क्रेविंग स्टॉप करना है तो उन विचारों से दूर ले जाना है, बहुत इसको तपस्या बोलते हैं। हर सिचुएशन में सेटिस्फाइड रहना, तो ये पूरा तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, आप फ्री टाइम पे इसको पढ़िएगा, पढ़िए इसको। Nothing is possible without tapasya. Lord Brahma, however, was empowered to create this entire universe because of his austerities. The more we engage in austerities, the more we become powerful by the grace of the Lord. Therefore, ऋषभ Rishabh एडवाइजेस Dev advises sons, प्रकायेन सत्वं शुद्धयेत। one should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified. In our material existence, we are impure, and therefore we cannot do anything wonderful. But if we purify our existence by tapasya, we can do wonderful things by the grace of the Lord. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, अभी हम लोग सब अशुद्ध हैं इसलिए हम कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं, बट जब हम तपस्या करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, फिर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे भगवान की कृपा से। तो तपस्या से हम शुद्ध होते हैं, और शुद्ध होंगे तब कुछ बेनिफिशियल वंडरफुल टास्क हम कर पाएंगे। तो सेकंड चीज एब्जॉर्प्शन लाना है अगर, तो उसके उसको बोलते हैं तपस्या। तो
श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, ये पहला। और दूसरा है ऑस्टेरिटी, स्पेशली माइंड की ऑस्टेरिटी वो करना, सेटिस्फेक्शन, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ प्योरिफिकेशन, ये ऑस्टेरिटीज बहुत जरूरी है। अगर एब्जॉर्प्शन लाना है तो एब्जॉर्प्शन के साथ भक्ति करना है तो तपस्या बहुत जरूरी है। और तीसरा है प्रॉपर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, माइंड को कल्टीवेट करना है ये सारी चीजों से। पढ़िए, मेंटल एब्जॉर्प्शन फॉर मेंटल एब्जॉर्प्शन बाय प्रॉपर कल्टीवेशन बाय फॉलोइंग 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो ये 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पता है सबको? क्या है 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? तो रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति के 64 अंग दिए हैं, और उन्होंने ये सारे अंग जो है, एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसके अंदर ये सारे दिए हैं 64 अंग। और जो इन 64 अंगों को एवरीडे फॉलो करता है उसका भक्ति में बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। और ये 64 अंग कैसे हैं कि हमारा 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 शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी, तीनों इंगेज होती है, और इससे हमको भक्ति प्राप्त होती है चीज करने से। 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो हम सबको पता होना चाहिए कि 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है। तो ग्रुप में मैं आप लोग के साथ ये एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें 64 लिम्स के विषय में बताए गए हैं। ये अच्छा प्रिपेयर किया है और इसमें सारे 64 आइटम्स बताए गए हैं पूरे। तिलक, इवन ये 12 जगहों पे तिलक लगाना, ये 64 में से एक आइटम आता है। 12 जगहों पे कैसे तिलक लगाते हैं, ये मंत्र बोल के, ये सब है। और ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला है कि बोनाफाइड गुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण लेना, ये सबसे पहला स्टेप है। ऐसे 64 आइटम्स हैं, उनसे दीक्षा लेना, उनसे सीखना कैसे भक्ति प्रैक्टिस की जाए, फिर उनके आदेशों का पालन करना विथ फेथ एंड डिवोशन, ये तीसरा है। फिर ग्रेट आचार्य के पद चिन्हों पे चलना है ना, ये चौथा। पांचवा, इंक्वायरी करना गुरु से, ये भक्ति के लिंब है। तो द्वारका, वृंदावन जैसे ना धाम पर रहना, एकादशी उपवास करना, ये भी भक्ति का अंग है। 64 लिम्स है। एक लिम्ब हो जो है ना, फिर एक लिम्ब है ये, वन शुड रिजिडली गिव अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। तो जब आप अभक्तों का संग त्यागते हो, मीन्स वो भक्ति का अंग, आप भक्ति कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे 64 लिम्स हमको पता होना चाहिए क्या क्या है, तो हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। वन शुड लर्न टू डांस बिफोर द डीटीज, व्हेन डीटीज इज ओके, सब थोड़े बड़े बड़े हैं, बट ये डॉक्यूमेंट को आप पढ़िएगा। सिंह, भगवान का कीर्तन गाना भक्ति का अंग है, संकीर्तन करना, प्रेयर्स ऑफर करना, डीटीज की पर्सनल सेवा करना है ना, महाप्रसाद टेस्ट करना, ये भी भक्ति का अंग है, टेस्टिंग महाप्रसाद। भगवान के विग्रह को भक्ति पूर्वक विद ग्रेट डिवोशन उनका दर्शन करना, ये सब कुछ चीजें हैं। वन शुड रिमेम्बर द डीटी, वन शुड मेडिटेट अपॉन द डीटी, वन मस्ट प्रे टू द डीटी, ये सारे। वन शुड पोर वाटर ऑन तुलसी ट्री, भक्ति का अंग है। वैष्णव की सेवा करना, ये भी भक्ति का अंग है। सर्व द डिवोटीज, कार्तिक व्रत रखना भक्ति का अंग है। जन्माष्टमी में स्पेशल सेवा करना, अब ये अंग कैसा है कि रोज नहीं कर सकते हम, रोज जन्माष्टमी नहीं होती है, तो 64 के 64 रोज हम नहीं कर पाएंगे। ये कुछ चीजें कैसी, एकादशी है, कार्तिक मास है, जन्माष्टमी है, इस तरह से।
64 में से सबसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है 64 के 64 इम्पोर्टेंट है, पर 64 में सबसे पांच जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है। सबसे पहला भक्तों का संग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, प्रभुपाद लेक्चर सुनना नहीं मतलब भागवतम पढ़ना, चौथा धाम का दर्शन करना, और पांचवा है विग्रहों की सेवा करना। ये पांच प्रमुख 64 में से पांच चीजें, उस पांच में भी सबसे इम्पोर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और ऐसा बताया कि अगर आप संकीर्तन करते हो, संकीर्तन यानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो 63 लिम्स अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। प्राइम बेनिडिक्शन है ये कलयुग का। हाँ 64 संकीर्तन, संकीर्तन करो तो 63 अपने आप ऐड हो जाएगी उसमें। ये उस कलयुग का प्राइम बेनिडिक्शन है। सो शॉर्टकट, तो ये इसलिए हमें पांच तो ये बेसिक करने चाहिए, और 64 के 64 रोज करने का ट्राई करना चाहिए। और तो ये इससे क्या हमारा माइंड प्रिपेयर होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम करते हो, सुबह मंगला आरती से लेके भागवतम क्लास तक या प्रसाद लेने तक, तो 64 में से 44 आइटम्स आप कर लेते हो, 44 चीजें आप हर रोज मॉर्निंग प्रोग्राम में कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं डीटीस के सामने और डांस करता हूँ, हाँ मैं डीटी को मेडिटेट करता हूँ, यस डीटी को प्रेयर भी करता हूँ, तुलसी में जल भी डालता हूँ। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर हम बहुत लाइटली करते हैं, इसलिए हमें लगता है क्या है ये, तो ठीक है, बट ये भक्ति का अंग है, कृष्णा उसको सीरियसली लेते हैं। परिक्रमा करते हैं हम रोज, सिंगिंग करते हैं, ये सब 64 में से 44 चीजें मॉर्निंग प्रोग्राम में हो जाती है। तो यस, फिर माई वंस कंटेम्प्लेशन विद अदर्स डिवोटीज परस्परम यद अनुध्या अत्यारे अनु ध्यास बताओ लेना तो कंटेम्पलेशन दूसरा पॉइंट है, कंटेम्पलेशन करना जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं। तीसरा पॉइंट है भक्तों के साथ बोधयंतस परस्परम, यानी कि उनके साथ रीडिंग करना, उनके साथ हियरिंग करना, उनके साथ फिलोसॉफी डिस्कस करना, बोधयंतस परम्परम। चौथा है यम और नियम का पालन करना, इस पे हम आते हैं डिस्कशन करते हैं, बट हम पहले इसको क्विकली कर लेते हैं। पांचवा है शास्त्र चक्षु से देखना, जो मैंने बता रहा था आपको मतलब अलग अलग सिचुएशन मटेरियलिस्ट कैसे दिखता है कृष्णा कॉन्शियस। छठा वैष्णव सॉन्ग्स और श्लोकास को मेमोराइज करना, उस पर मेडिटेट करना। यू नो वैष्णव भजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भक्त के जीवन में, क्योंकि जो भी हमारे आचार्यों ने जो भी वैष्णव भजन दिए हैं उसमें सारे शास्त्र के निचोड़ हैं, भागवतम भगवद गीता चैतन्य चेतन का पूरा निचोड़ है। और शुद्ध भक्त कैसे सोचता है, कैसे प्रार्थना करता है, कैसे मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और उस पे पश्चाताप करता है, ये सब वैष्णव भजन में हमको प्राप्त होंगे। और क्या भाव अनुकूल करना चाहिए, कैसे वो कृष्णा की सेवा की अभिलाषा करता है, वो सारी चीजें। तो वैष्णव सॉन्ग पढ़ना चाहिए, श्लोकों को याद करना चाहिए। फिर जी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेइंग बाय बेगिंग फॉर सर्विस, रिपेंटेंस एंड शेल्टर। अगर हम सेवा की प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा में लगाओ सेवा में लगाओ, दूसरा अगर हम पश्चाताप करते हैं कि मैंने पास्ट में ये सारी मिस्टेक की, गलतियां की, ये सारे पाप किए, ये सारे अपराध किए, उसका सिंसियर पश्चाताप करते हैं, और तीसरा जब हम कृष्णा की शेल्टर में जाते हैं, जब हम ये तीन चीज करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन से सारे बुरे विचार खाली हो जाते हैं।
और मन पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं और कृष्णा को आसानी से कृष्णा का स्मरण कर सकते हैं। बेगिंग फॉर सर्विस, रिपेंटेंस और शेल्टर। रिपेंटेंस यानी कि हमें पश्चाताप होना चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझसे ये नियम टूटा है, मुझसे ये पाप हुआ है। तो वो पश्चाताप कैसे करते हैं? अजामिल का जब आप पढ़ोगे सेक्शन, प्रभुपाद की बुक है सेकंड चांस, वो सेकंड चांस के अंदर चैप्टर आता है कि अजामिल ने कैसे पश्चाताप किया। उन्होंने अजामिल ने कैसे पश्चाताप किया, बस वैसा हमको करना है। किस प्रकार से मैं गलत कार्यों में लग गया और क्या मुझे फॉर्च्यून मिला है अभी कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करने का, रिपेंटेंस। तो हमारा माइंड स्ट्रांग बनता है इससे और कृष्णा को आसानी से स्मरण हो सकता है उसका। बेगिंग फॉर द सर्विस मतलब हमारे अंदर तीव्र इच्छा होना चाहिए सेवा करने की, और उसके लिए भगवान जब तक सेवा में हमको इंगेज नहीं करेंगे तब तक मैं सेवा में इंगेज नहीं हो पाऊंगा। जब तक भगवान मुझे इंगेज नहीं करेंगे मैं इंगेज नहीं हो पाऊंगा सेवा में, मैं अपना प्रयास कितना भी कर लूं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना और डिपेंड रहना कि आप जब तक इंगेज नहीं करोगे मैं इंगेज नहीं हो पाऊंगा। बेगिंग, तो जो बेगर होता है, जो भीख मांगता है व्यक्ति, है ना, तो वो आसानी से भीख नहीं मांग रहा है। भीख दोगे आप 10 रुपया, उसको वो सही में मूड लाना पड़ता है तभी उसको मिलेगा ना। वो जितना अपने आप को अपियर करेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं और रो रहा है, एकदम ऐसा नीड है उसको, तब उसको भीख मिलेगी। तो ऐसे हमें पहले अपनी सिचुएशन वो भगवान के सामने व्यक्त करना पड़ेगा कि आप अगर मैं सेवा में नहीं इंगेज हूंगा, जैसे कि मैं अभी सेवा में इंगेज नहीं हूं और माया का कभी भी अटैक आ सकता है, ये जीवन कब तक है मुझे नहीं पता है और कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है मुझे, अगर कोई ऐसा कर्मा अभी आने वाला हो मेरे जीवन में जिससे मेरा शरीर साथ नहीं दे सेवा करने का, तो मुझे कैसे अवसर मिलेगा। इसलिए आपको ये समझ के मुझे सेवा में लगाना पड़ेगा अभी तुरंत, इमरजेंसी है ये, कभी भी कुछ भी हो सकता है मुझे। आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, तो अभी मेरा शरीर अच्छा है आपकी सेवा करने के लिए। मेरे पिछले जन्म के कर्म कभी भी मुझ पर अटैक कर सकते हैं और मेरा शरीर वीक पड़ सकता है आपकी सेवा के लिए, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करना भगवान के समक्ष, उसको बोलते हैं बेगिंग, के नीड है। उसके लिए सबसे पहले हमें कन्विंस होना पड़ेगा कि सेवा हमें चाहिए करने के लिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म है। तो ऐसे हमारा माइंड को हमें प्रिपेयर करना है, तब ऐसा एब्जॉर्प्शन आ जाएगा हमारा धीरे 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 कि कब माया के थॉट्स चले गए और कृष्णा के थॉट्स आते हैं हमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो बेगिंग, रिपेंटेंस और शेल्टर, भगवान की शरण लेना, इमरजेंसी है ये। फिर सीनियर भक्तों से सेवा लेना और वो सेवा में इंगेज होना, जो सीनियर डिवोटीज हमको सेवा देते हैं वो सेवा को अच्छे से करना और प्रेयरफुल भाव से सेवा करना। और लास्ट है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं पे चिंतन करना। ये तो पॉसिबल नहीं अभी हमारे लिए क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है, हमने तपस्या प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान की शक्तियों पे फोकस करना है, भगवान के ऐश्वर्य पे फोकस करना है, फिलोसॉफी और तत्व दर्शन यानी कि भगवद गीता फोकस करना है। नाम रूप गुण लीला सीधा फोकस नहीं कर सकते हम, वो अगेन फिर सहजिया वाला हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि से हमें पहले कन्विंस्ड होना है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं उनका दास हूँ, और भगवद गीता के सिद्धांतों को समझना है।
ऐसे धीरे धीरे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, फिर भगवान की लीलाओं पे चिंतन कर पाएंगे, हम अभी नहीं कर सकते। तो एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भक्त के जीवन में। क्यों? क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं कि मृत्यु के समय जो हमारा, जहाँ हमारा एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा डेस्टिनेशन होगा अगला। तो अभी आपका कहाँ एब्जॉर्प्शन है, कुछ समय बाद आप वहां पहुंचोगे। हमारे मन में क्या विचार चलते हैं वो विचार हमारा फ्यूचर बनाते हैं। तो हमारे विचारों में कितनी शक्ति है, हो सकता है वो हमारे विचार हमारा फ्यूचर बनाते हैं। हमारे मन जो है हमारा फ्यूचर का सिचुएशन बनाता है। तो इस पे, इस मन के अंदर अगर आपने कृष्णा कॉन्शियस विचार डाले तो आपका फ्यूचर वैसा होगा। और जो मैं एक पॉइंट बीच में इसमें जो बता रहा था, फॉलोइंग यम और नियम, तो डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स क्या करते हैं, हमारे माइंड को ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं। ग्राउंड लेवल पे लेके आने का अर्थ है कि माइंड में सारे डिस्टरबेंस चले जाते हैं डूज एंड डोंट्स फॉलो करने से। डिस्टरबेंस चले जाएंगे फिर आप चैंटिंग रीडिंग हियरिंग अच्छे से कर पाओगे। तो चैंटिंग रीडिंग हियरिंग को अच्छे से करने के लिए पहले माइंड को ग्राउंड लेवल पे लेके आना होता है। उस लेवल पे लाएंगे तब तुरंत एब्जॉर्प्शन आएगा हियरिंग। तो वो डूज एंड डोंट्स क्या है, तो दस चीजें हैं इसके अंदर। तो वो दसों दस बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बहुत क्विकली ले लेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। लेट्स दिख रहा है राइट, व्हाइट बोर्ड। जी सो एक है यम, यम यानी कि डूज, ठीक है, और दूसरा है नियम, नियम यानी कि डोंट्स। तो कुछ चीजें जो है हमें करनी है, कुछ ये डूज एंड डोंट्स भक्ति के लिए नहीं है, हमारे माइंड को ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, ताकि हमारा माइंड प्रिपेयर हो भक्ति करने के लिए। नहीं, ये वो चीजें हैं। तो सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि लोगों के साथ, जनरली हमारे लिए अहिंसा मतलब क्या, कि किसी को मारना नहीं, जान से वो भी है ना, जनरली लोगों के माइंड में डेफिनेशन। पर एक्चुअल में अहिंसा मतलब क्या है, कि दूसरों को, दूसरों के साथ मिसबिहेव नहीं करना। कोई आपका कोई भी आचरण, कोई भी शब्द दूसरों को डिस्टर्ब ना करें माइंड से, इस तरह से आचरण रखना, इस तरह से बोलना कि दूसरे व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो आपसे, उसको अहिंसा बोलते हैं। ये फर्स्ट है डूज में अहिंसा। सेकंड है सत्य, कि हमेशा सच बोलना। आप बोलोगे प्रभु जी ये तो थर्ड स्टैंडर्ड के मॉरल साइंस जो होते हैं वो पढ़ा रहे हो आप, मॉरल साइंस सब्जेक्ट आता था ना थर्ड स्टैंडर्ड अलग अलग स्टोरी आती थी हर एक की, अहिंसा की स्टोरी, सत्य की स्टोरी सो सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना। बट हमारे लेवल पे क्या, कि सोचना एक, सोचना कुछ और बोलना कुछ और, डुप्लीसिटी। मतलब अगर आप हर सिचुएशन में सत्य बोलोगे आपका माइंड ग्राउंड लेवल पे यानी कि पीसफुल रहेगा। क्यों? अगर आप झूठ बोलोगे हमेशा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, कि कहीं सच पकड़ लेगा कोई, झूठ पकड़ लेगा कोई, बाहर आ जाएगी बात। तो ये माइंड डिस्टर्ब है तो कैसे भक्ति में अब्सॉर्प्शन आएगा, समझे? ग्राउंड लेवल पे आया नहीं माइंड अभी।
झूठ बोलोगे हमेशा एंजाइटी रहेगी, कोई कर लेगा, इसलिए सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, संस्कृत वर्ड है ये, डोंट स्टील, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने का मतलब ये भी होता है कि दूसरों का क्रेडिट छीनना नहीं, जो क्रेडिट जिसका है उसको देना। फॉर एग्जाम्पल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दो भक्त और दोनों ने मिलके 50 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, पर हमने बताया कि उसने 30 बुक डिस्ट्रीब्यूट किए और आपने 20 किए, पर आप जाके बोलोगे कि मैंने 40 किए, उसने 10 ही किए। दूसरों का क्रेडिट छीनना उसको बोलते हैं स्टील। मैं हम हमारे लेवल की बात कर रहा हूँ, थर्ड स्टैंडर्ड की मॉरल साइंस नहीं बता रहा हूँ आपको अभी। चोरी नहीं करना, या फिर किसी का भी चीज बिना उसकी परमिशन से ले लेते हैं, है ना, इसका गमछा ले लेते हैं, उसको पता नहीं चलेगा, स्नान करके आके रख देंगे, इसका चप्पल ले लेते हैं, बाथरूम ही जाना है फटाफट, कुछ पता नहीं चलेगा, ये सब चोरी में आता है। भले उसका बिना परमिशन यूज किया आप उसका चीज यूज करते हो और फिर रख देते हो, आप सोचोगे क्या इसमें फर्क पड़ेगा, पर वो भी चोरी में काउंट होता है, हम इम्प्योर हो जाते हैं। चौथा, ब्रह्मचार्य का पालन करना, यानी कि पराई स्त्रियों का संग नहीं करना, मतलब मैन वुमेन एसोसिएशन अवॉइड करना। मैन वुमेन एसोसिएशन में हमारा माइंड कंटेमिनेटेड हो जाता है, और इंद्र तृप्ति भी हमें अवॉइड करना, पर स्पेशली ब्रह्मचारी मतलब कि स्ट्रिक्टली अपोजिट जेंडर का एसोसिएशन नहीं लेना, स्त्रियों से दूर रहना और उनको रिस्पेक्टफुल वे से डील करना। और फिफ्थ फिफ्थ है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब उसको नॉन पॉजिटिवनेस बोलते हैं। नॉन पॉजिटिवनेस मतलब अपरिग्रह मतलब आप जितनी चीजें इकट्ठा करोगे उतना एंजाइटी होगा माइंड में। आज आपके पास फॉर एग्जांपल साइकिल है, आप साइकिल से आपका काम चलता है, पर आपका शौक है नहीं मेरे पास बाइक होना चाहिए, जो काम साइकिल से हो सकता है वो आप बाइक ले रहे हो, तो पॉजिटिवनेस बढ़ा रहे हो अपना, बाइक लोगे या फिर कोई भी टू व्हीलर लोगे, एक्टिवा लोगे, तो क्या उसकी एंजाइटी बढ़ेगी आपकी? आपको उसको सर्विस में देना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा, पासिंग आरटीओ के सारे करने पड़ेंगे, फिर उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए आपको और मेहनत करके कमाना पड़ेगा, तो जितनी चीजें आपके पास रहेगी उसको मेंटेन करने का बर्डन रहेगा आपके ऊपर, तो अगेन उसमें फिर एंजाइटी रहेगी, माइंड ग्राउंड लेवल पे नहीं है। जितनी कम चीजें, मिनिमम चीजें हो हमारे जीवन में, उतना हमारा जीवन लाइट रहेगा और भक्ति में मन लगेगा आसानी से। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको फेंक दो जीवन से। अब परिग्रह, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रखो। तो ये पांच चीजें हैं जो यम जिसको बोलते हैं, डूज, यम नियम। नियम मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमें, मतलब नियम क्या, नियम मतलब ड्यूटी, ड्यूटी या फिर वो सारे हैबिट्स जिससे हमारा लाइफ इंप्रूव हो, सारी चीजें उससे हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है क्लीनलीनेस, यानी कि क्लीनलीनेस यानी कि
इंटरनल क्लीननेस, एक्सटर्नल क्लीननेस, है ना। बाहर से क्लीनिंग रखना मतलब स्नान करना एटलीस्ट दिन में 2 बार, स्टूल पास करने जाओ तो स्नान करना, शेविंग करना, नेल्स काटने के बाद स्नान करना, क्लीनलीनेस होना, अपने आसपास एनवायरनमेंट क्लीन रखना, और दूसरा इंटरनल क्लीननेस यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप, उससे मन शुद्ध होता है, माइंड। सेकंड जो माइंड की तपस्या में ही आता है उसको बोलते हैं संतोष, यानी कि हर स्थिति में सेटिस्फाइड रहना, ना सेटिस्फेक्शन। तीसरा है तपस्या यानी कि ऑस्टेरिटी। अब इससे क्या, हमारा डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है, हमारा विल पावर और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है, और वो भी हमारे माइंड को ग्राउंड लेवल पे लेके आता है। सेटिस्फेक्शन यानी कि अगर आप हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के साथ सेटिस्फाइड हो तो आप भक्ति अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा आपका, एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। चौथा है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, यू नो, इससे हम रियलाइज कर पाते हैं कि हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, शास्त्र चक्षु कैसे डेवलप करें, हमारी वीकनेस कहाँ है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, इसको ठीक करने में हमको हेल्प मिलता है। फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको संस्कृत में बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान, यानी कि हर सिचुएशन पे ईश्वर प्रणिधान यानी कृष्णा पे डिपेंड रहना। हर सिचुएशन पे कृष्णा पे डिपेंड रहना, हर सिचुएशन में कृष्णा पे सरेंडर रहना, भगवान ये देख, इस तरह से सिचुएशन को देखना कि कृष्णा इज द कंट्रोलर, उन्होंने ये सिचुएशन अरेंज किया है। तो ये 10 चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा माइंड तैयार होता है भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 10 पॉइंट और भक्ति के 64 लिम्स का एक डॉक्यूमेंट है, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, उसको आप पढ़ते रहो, इस पे मेडिटेट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ हम एंड करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं, बिकॉज मेरा भी एक और मीटिंग है थोड़े देर में, तो मुझे वो अटेंड करना पड़ेगा। वो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, तो सब लोग शायद वेट कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट टाइम फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।